कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड जिसे फिनोल कहा जाता है, तो हम फिनोल पॉइजनिंग डिस्कस करेंगे। फिनोल जब जनरली प्योर फिनोल जो होता है वह कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक निडल लाइक क्रिस्टल होता है, लेकिन जब वह एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो वह पिंक हो जाएगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा और निडल लाइक क्रिस्टल से लिक्विफाइड हो जाता है। फिनोल की अलग ही स्मेल होती है, कार्बोलिक स्मेल या फिर फिनोलिक स्मेल बोलते हैं, या फिर अपन जनरली हॉस्पिटल स्मेल भी कहते हैं। कमर्शियली जो फिनॉल होता है उसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, मेनली क्रिसरोल होता है, क्रिसरोल और कुछ नहीं मिथाइल फिनॉल होता है, तो इसकी इम्प्यूरिटी मिलती है। कमर्शियली प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे लाइजोल, डेटोल। लाइजोल क्या होता है, 50% सोल्यूशन होता है क्रिसरोल का, जो साबुनीकरण सोपनीफाइड करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल में। आगे अगर बात करें, लाइजोल जो होता है ना वो 8 times लाइजोल से मोर टॉक्सिक फिनॉल होता है। अब डेटोल जो होता है वह क्लोरीनेटेड फिनॉल, और अपन डेरिवेटिव देख लेते हैं, जैसे क्लोरीनेटेड फिनॉल जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोजाइनिलोल प्लस टर्पिनियोल, तो क्लोरोजाइनिलोल और टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है डेटोल। फिनॉल के डेरिवेटिव अभी बात कर ली, लाइजोल, डेटोल, तो लाइजोल, डेटोल, क्रिसरोल, मेंथोल। जो फिनॉल होता है वह फैट सोल्यूबल होता है, इसी चक्कर में यह नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और ये वाटर में स्लाइटली वाटर सोल्यूबल होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है GIT से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, वजाइना से, स्किन से, बुंड से। एक्सक्रीशन की बात करें तो फिनॉल बॉडी में पहले हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटाकोल में चेंज होता है और फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। फेटल डोज की बात करें तो 20 ml से ही डेथ हो जाएगी। आगे आ जाएगा फेटल पीरियड, इसका 3 to 4 hours इसका फेटल पीरियड है, मतलब टाइम डेथ का 3 to 4 hours में डेथ हो सकती है। आगे अगर अपन बात करें साइन और सिम्टम, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जैसे HCl हुआ अपना, H2SO4 हुआ, HNO3, ये केवल लोकल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब लोकल दिक्कत करते हैं, सिस्टमिक ये अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्जेलिक एसिड, फिनॉल हुआ, तो ये लोकल इफेक्ट भी शो करते हैं और सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिनॉल पॉइजनिंग, तो ये ऑर्गेनिक एसिड, तो ये लोकल इफेक्ट भी शो करेगा, सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट पॉइजनिंग जिसे कार्बोलिज्म कहा जाता है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट क्या होंगे, स्किन पे अगर फिनॉल आया तो भाई शुरू में बर्निंग और नमनेस होगी स्किन में। और ये क्यों हो रही है नमनेस और बर्निंग क्यों हो रही है, क्योंकि नर्व एंडिंग का डैमेज हुआ है। साथ ही साथ ये स्किन को प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है जिससे ब्लीचिंग इफेक्ट मिलता है। और हम जानते हैं फिनॉल जो होता है वह पिलिंग करता है, स्किन निकलने लगती है फिनॉल में। और उसके बाद आ जाएगा GIT पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि कोई ने इंजेस्ट किया, तो शुरू में तो बर्निंग पेन होगा, बाद में वहाँ टिंगलिंग होने लगेगी, झिनझिनी होने लग जाएगी, और साथ ही एनेस्थीसिया हो जाएगा। तो एनेस्थीसिया होगा तो कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू स्टोमक ऐसा रहेगा, बर्निंग पेन, टिंगलिंग एंड एनेस्थीसिया। रेस्पिरेटरी की बात करें तो शुरू में पल्मोनरी और लेरिंजियल एडिमियम में लेगा और बाद में तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ये लोकल इफेक्ट पड़ लिए स्किन पे, GIT पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब हम देखते हैं सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट में रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ना मेनली वह डिप्रेस होगा, बाकी ये CNS को डिप्रेस करने का काम करता है। मायोसिस हो जाएगी इसमें, साथ ही साथ मेटाबोलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, सीवियर हिमोलिसिस हो जाती है, सीवियर हिमोलिसिस, और मेथेनोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, और PCT नेक्रोसिस आल्सो आकर। तो ये सिस्टमिक इफेक्ट हुए अपने। तो अगर अपन देखें तो CNS डिप्रेशन, मायोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, सीवियर हिमोलिसिस, मेथेनोग्लोबिनीमिया, PCT नेक्रोसिस होती है। यूरिन की बात करें तो यूरिन जो होता है स्लाइटली, मतलब कलरलेस होता है और स्लाइटली ग्रीन होता है, बाद में ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ग्रीन हो जाता है और इवन ब्लैक भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों, हम इधर समझेंगे क्या होता है कि बॉडी में जो फिनॉल होता है वह पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटाकोल बनाता है। ये अपन ने अभी देखा था, हाइड्रोक्विनोन पायरोकेटाकोल का यूरिन में जाता है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, उसे कार्बोल यूरिया बोलते हैं, कार्बोल यूरिया। इसे क्या बोला जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है जिससे ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जिसे कार्बोल यूरिया कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, एक्यूट पॉइजनिंग कर ली हमने, अब हम कंप्लीट करेंगे क्रोनिक पॉइजनिंग जिसे फिनॉल मेरास्मस कहा जाता है। फिनॉल मेरास्मस में क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपोज होगा तो भैया उसमें वेट उसका लॉस हो जाएगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, डार्क यूरिन निकलेगा, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और क्लेरा, स्क्लेरा और स्किन में पिगमेंटेशन होती है। अच्छा, इनकी पिगमेंटेशन होती है ना जो कॉर्निया में, कार्टिलेज में, स्किन में, तो इसे क्या बोला जाता है, उक्रोनोसिस कहा जाता है। उक्रोनोसिस क्या होता है, डिपोजिशन होने लग जाता है, इसी चक्कर में इसे उक्रोनोसिस कहा जाता है पिगमेंट का।
तो ओक्रोनोसिस कॉमनली एसोसिएट, और कहाँ देखी ओक्रोनोसिस हमने, हमने देखी एल्कोप्टोनोरिया में, जहाँ होमोजेनसेटिक एसिड डिपोजिट हो जाता है कार्टिलेज में, फाइब्रस टिश्यू में, वहाँ तो ओक्रोनोसिस पिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन और स्क्लेरा का। आगे आ जाएगा कॉज ऑफ डेथ क्या है फिनोल पॉइजनिंग में, सिनकोप और एस्फेक्सिया या कॉज ऑफ डेथ है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हमने बोला अभी एमेटिक नहीं देंगे अपन, एमेटिक क्यों नहीं देंगे, एमेटिक इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वह जीआईटी में एनेस्थीसिया कर दिया उसने, तो एनेस्थीसिया कर दिया तो अब एमेटिक दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो एमेटिक नहीं देना है, डू नॉट गिव एमेटिक। आगे जाएगा स्टोमक बॉस करेंगे, एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है जो एब्जॉर्ब कर लेगा फिनोल को, साथ साथ गैस्ट्रिक लावाज कंप्लीट होने के बाद हम कुछ मैग्नीशियम सल्फेट या लिक्विड पैराफिन स्टोमक में छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि बचा हुआ ये अगर अपने छूटा हुआ है, अगर रह भी गया होगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये डिमल्सेंट देते हैं, डिमल्सेंट क्या होते हैं, जैसे कि अपनी जीआईटी उसमें इरिटेशन होता है तो ये एक लेयर बनाने का काम कर देते हैं, मतलब तो इसे डिमल्सन अपन देंगे इसमें, उसके बाद आ जाएगा ताकि इरिटेशन के इंपल्स बार बार ना जाए। आगे आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और स्लाइन दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए दिया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी ट्रीट करने के लिए, साथ ही साथ ये यूरिक एसिड है, एसिड के साथ अगर अपन ये बेस देंगे तो फिर वो बाहर निकालने में एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा। पीएम अपीयरेंस की बात करें, यदि एक्सटर्नल फाइंडिंग, तो एक्सटर्नल में क्या फाइंडिंग मिलेगी अपने को, मिलेगा कोरोजन ऑफ स्किन, स्किन में हमें कोरोजन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एंगल ऑफ माउथ से लेके चिन तक, कहाँ कोरोजन ऑफ स्किन, तो वहाँ की जो म्यूकस, यहाँ एंगल ऑफ माउथ से चिन जो होगा वो ग्रीस हो जाएगा और ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ हमें फिनोलिक स्मेल मिलेगी, ये तो पक्का ही अपना फिनोलिक स्मेल मिलेगी। आगे आ जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे माउथ की, लिप की, थ्रोट की, वो बाइट हो जाएगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन बाइट हो जाएगी और वहाँ हमें हीमोरेज मिलेगा। तो क्या फाइंडिंग है एक्सटर्नल में, माउथ से चिन तक ग्रीस और ब्राउन कलर मिलेगा, फिनोलिक स्मेल आएगी, साथ साथ ये अपने म्यूकस मेम्ब्रेन जो हो जाएगी बाइट और हीमोरेज मिलेगा। अब अपन देख लेते हैं इंटरनल फाइंडिंग क्या रहेगी, तो इंटरनल फाइंडिंग में बिल्कुल फिक्स ईसोफेगस जो रहेगा उसमें लॉन्जिट्यूडनल टफ फोल्ड, एक तो टफ हो जाएगी साथ साथ उसमें लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड मिलेंगे ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस की फाइंडिंग हो गई, लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड मिलते हैं, टफ हो जाती है। आगे जाकर स्टोमक में बाइट लेदरी हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि बाइट लेदरी स्टोमक क्या होते हैं कि कोरोसिव में कभी भी गैस्ट्रिक लावाज नहीं दिया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन हम फिनोल कोरोसिव पॉइजन है फिर भी इसमें गैस्ट्रिक लावाज किया जाता है क्योंकि इसमें बाइट लेदरी म्यूकोसा हो जाती है, स्टोमक की थिक हो जाती है म्यूकोसा, तो परफोरेशन नहीं होता है, तो इसमें अपन दे सकते हैं, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी होगा ये अपना बाइट लेदरी स्टोमक। लीवर और स्पिलिन जो हो जाएंगे वह बाइट हो जाएंगे, जैसे कि स्टोमक है तो उसके आसपास जो कॉन्टेंट, जो यदि स्प्लीन आया कॉन्टेक्ट में तो यहाँ बाइटेस मिलेगा, लीवर अगर अपन बात करें लीवर जो होगा वो कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहाँ बाइटेस मिलेगा, तो ये लिखा लीवर और स्प्लीन बाइट और हार्डन बेयर स्टोमक हैज कॉन्टेक्ट। आगे जाएगा किडनी में हमें हिमोरेजिक नेफ्राइटिस मिलेगी, ब्रेन जो हो जाएगा वह कंजेस्टेड एडिमेटस हो जाएगा, लंग और लेरेंजियल एडिमा मिलेगा, जो अपन कर चुके थे बात लंग और लेरेंजियल एडिमा। सरकमस्टेंसेस ऑफ पॉइजनिंग, सरकमस्टेंसेस कहाँ कहाँ, बहुत ज़्यादा इसके सुसाइडल पॉइजनिंग देखी जाती है, सुसाइडल पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी होती है। आगे जाएगा रेयरली यूज फॉर होमिसाइड, होमिसाइड के लिए यूज नहीं करते क्योंकि इसमें ऑर्डर आती है, इसका टेस्ट होता है। आगे जाएगा समटाइम यूज फॉर अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने कंप्लीट करा फिनोल पॉइजनिंग, तो हमने फिनोल पॉइजनिंग कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग खत्म करी। थैंक यू।